Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to my channel, the Kitchen Bistro. Aaj hum the Kitchen Bistro mein keema bharay karele bana rahe hain. Keema bharay karele banana bahut aasan hai. Main different tarike se keema bharay karele banaungi. To meri video ko end tak lazmi dekhein. Video start karne se pehle agar aapne mere channel ko subscribe nahi kiya to please isko subscribe karein aur saath mein bell icon ko lazmi click karein taki meri har latest video aap sabse pehle dekh sakein. चलें स्टार्ट करते हैं. मैंने यहाँ पर 10 से 11 करेले लिए हैं, बिटर गोर्ड. इनको मैंने पील कर लिया है. पील करने के बाद मैंने इन्हें वॉश किया है. सेंटर में से मैंने कट लगा के इसके सीड्स निकाल लिए हैं. इनको डिस्कार्ड कर दिया है. 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, नमक 1 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर, हल्दी लिया है. तो सबसे पहले हमने करना क्या है कि करेलों पर अच्छी तरह से सॉल्ट को और टर्मरिक पाउडर को लगाना है और इसको 20 मिनट के लिए हमने छोड़ देना है. बड़े बोल में तमाम करेले डाल लिए हैं. अब मैं इसके ऊपर सॉल्ट डालूँगी, साथ ही हम इस पे हल्दी लगाएंगे. नमक और हल्दी लगाने से होगा ये कि इसकी तमाम करवाहट निकल जाएगी. अब हम अच्छी तरह से करेलों पे नमक और हल्दी लगा लेंगे. मसल मसल के इस पे लगानी है आपने. इसके अंदर वाली साइड पे भी अच्छी तरह से आपने मसाला लगाना है. अच्छी तरह से लगा लेना है. इसकी अंदर वाली साइड पे भी अच्छी तरह से लगाना है. करेलों पर नमक और हल्दी अच्छी तरह से लगाने के बाद इनको 20 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे. करेलों को हमने 20 मिनट के लिए हल्दी और नमक लगा के अच्छी तरह से छोड़ दिया था. अब हम इसका जो जायद पानी है वो निकाल लेंगे जो करेलों ने छोड़ा है. मैंने एक बोल लिया है और इसमें अच्छी तरह से करेलों को निचोड़ूंगी. ये देखें, जो करेलों ने पानी निकाला है उसको अच्छी तरह से निकाल लें. सारे करेलों को हम अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे. तमाम करेलों को एक एक करके मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया है. इनका जायद पानी निकाल लिया है. अब हम इसे 1 से 2 दफा खुले पानी के अंदर वॉश करेंगे. और इसको एक साइड में बोल में निकालते जाएं. तमाम करेलों को हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे. अब एक बार फिर पानी लिया है और करेलों को दूसरी दफा पानी में अच्छी तरह से वॉश करेंगे. करेलों को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है. अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे. अब कीमे की स्टफिंग के लिए मैंने 300 ग्राम कीमा लिया है. मैं बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ. आप चिकन का या मटन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं. सिलेंट्रो चाहिए, धनिया तकरीबन 3 टेबलस्पून, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है. 1 मीडियम साइज़ आनियन, इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया है. 1 मीडियम साइज़ टमाटो, टमाटर इसके मैंने सीड्स निकाल कर इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है. 1 टीस्पून सॉल्ट, नमक 1/2 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर, हल्दी 1/2 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, अनारदाना पाउडर, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ना यूज़ करें 1 टेबलस्पून, कोरिएंडर सीड्स 1 टीस्पून, ग्रीन कोरिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून, गार्लिक जिंजर का पेस्ट, ये मैं फ्रेश यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर 2 ग्रीन चिलीज, इनको मैंने चॉप कर लिए. अब कीमे के अंदर हम सब कुछ मिक्स करेंगे. सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, टमाटर, रेड चिली फ्लेक्स, गरम मसाला. जिस तरह से मैं करेले बना रही हूँ, अगर आप यही स्टेप्स फॉलो करके बनाएंगे तो यकीन करें आपके करेले बहुत मज़े के बनेंगे. रेड चिली पाउडर, अनारदाना पाउडर, पिसा हुआ सब्ज़ धनिया, साबुत सब्ज़ धनिया, बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया, जीरा पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें. अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे. कीमे को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है. अब हम कीमे को करेलों में भरेंगे. मैंने एक करेला लिया है. अब इसमें कीमे की स्टफिंग ऐड करूंगी. स्टफिंग ऐड करने के बाद हम इस पर धागा लगा के इसको अच्छी तरह से सील करेंगे और उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे. मैं इनको शैलो फ्राई करूँगी. मैं करेलों को स्टीम करूंगी और यकीन करें बहुत मज़े के करेले बनेंगे. ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा. सारे करेलों में हम कीमे की स्टफिंग करेंगे. करेलों को मैंने कीमे से भर लिया है, इनकी स्टफिंग कर ली है. अब हम थ्रेड से करेलों को सील करेंगे. इस तरह से हम सील कर लेंगे. इस तरह से हम तमाम करेलों को धागे से सील करेंगे. सारे करेलों को थ्रेड से अच्छी तरह सील कर दी है. अब हम इसे फ्राई करेंगे. मैं इनको शैलो फ्राई करूंगी. आप चाहें तो आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं. फ्राई करने के लिए एक पैन में ऑयल डाल लें.
ऑयल को गर्म करेंगे। करेलों को हमने चारों साइड से गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है, लेकिन लो टू मीडियम फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर फ्राई मत करें क्योंकि ये जल जाएंगे। चारों साइड से हमने इक्वली गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। करेले चारों साइड से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गए हैं, अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल लूँगी। अगर आप इन्हें ज़्यादा फ्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसी तरह से अब हम बाकी के करेलों को फ्राई करेंगे। करेलों को मैंने शैलो फ्राई कर लिया है, अब हम इसी ग्रेवी तैयार करते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हमें प्याज चाहिए, तकरीबन मैंने 3 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, उनके मैंने स्लाइस कर लिए हैं। 4 से 5 टमाटर चाहिए, टमाटो इनको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून सॉल्ट चाहिए, नमक, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सुरख मिर्च पीसी हुई। तो चलिए अब हम इसका मसाला बनाते हैं। पैन को हम गर्म करेंगे। जिस ऑयल में हमने करेलों को शैलो फ्राई किया है मैंने वही ऑयल ऐड किया है, तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को थोड़ी देर फ्राई करेंगे। प्याज को हमने लाइट ब्राउन फ्राई किया है, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए कवर करके कुक करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। 10 मिनट के लिए कवर कर दिया था, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। मैश करने के बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, हल्दी, सुरख मिर्चें और नमक, इन सबको मिक्स करेंगे। स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब हम ऑलरेडी जो हमने फ्राई किए हैं करेले वो डालेंगे। करेले ऐड करने के बाद हम मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे। करेलों को स्टीम में कुक करने के लिए मैंने पानी ऐड किया है और पानी ऐड करने के बाद कवर कर दिया है। अब हम बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे 20 मिनट के लिए रख देंगे। 20 मिनट के लिए हमने करेलों को कवर कर दिया था। स्टीम में करेले डन हो गए हैं, अब हम फ्लेम को थोड़ा हाई करेंगे। ये देखिए पानी सारा ड्राई हो गया है और ऑयल इसके ऊपर आ गया है। कीमा करेले डन है, अब हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार स्टीम कीमा करेले तैयार हैं। बहुत डिफरेंट रेसिपी है और बहुत मज़े के बनते हैं, तो ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दे के लाजमी बताएँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह बहुत मज़े के बनेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।